सब लोग खाते हैं।
इधर बेटा कुबेराय वैश्वानाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वराज्यं महाराज माधिपतिम् समुद्रप्रिया ईश्या सर्वभौम सर्वा शांताधा आप्रार्थात पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताया आये क्रालते तदपेशस्तोकभीतमृतप्रेषार मृतस्य अवसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामः प्रेष्वेदे एव सभासदेति संसृष्टाङ्गना व्यसमाकृतमस्मभ्यन्ततावृणस्मन्यः व्यन्तदा आनार्दयेषु शक्षव परा आदितासो अपनिलयन्ताम् एकदन्ताय विद्मे वक्रतुण्डाधिपै तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुष तन्नो आदित्य प्रचोदयात् स्वस्ति मन्त्रार्थान् सत्या सन्तोष युत सागर पर्यन्तम् गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु अध्यायी अहम्बो अभिवादये वर्तमाने पूर्वक एव गुण विशेषण विशिष्टायं शुभ पुण्य तीर्थौ भारद्वाज अर्थ काम मोक्ष पुण्य पुरुष सिद्ध्यर्थं उद्योगे लाभार्थं च धन कनक वस्त्र वाहनादि सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थं विद्याभ्यासे उन्नति प्राप्त्यर्थं महागणपति कुलदेवता प्राण प्रतिष्ठापन ध्यान आवहनादि षोडश उपचार पूज महागणपति देवता मूर्ति प्रियंता प्रीत वरदो भवतु महागणेश देवता पादोदकं शुभं शरीरे जय शरीरे भूते व्याधस्य कौशलभिज्यो नारायण हरि अकाल मृत्यणं सर्वव्यानिवारणं सर्वदेतोपशमनं गणपति बप्पा ये त्योहार आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज का त्योहार
सब त्योहारों की तरह महत्वपूर्ण है। इस देश के सभी त्यौहार महत्वपूर्ण हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितना उत्साह, कितना जोश है। वो आपने देखा ना, आप तो देख ही रहे थे, बच्चों में भी आया हुआ है। मेरे माता पिता से, मेरे में बच्चे, फिर इनके बाद एक और जनरेशन, इनका देखो कितना। हाँ, बहुत खुशी होती है, घर परिवार सब साथ में मिलकर हम पूजा करते हैं, गणेश जी को घर लाते हैं हर साल। ये 14वां साल है जिसमें हमने इको फ्रेंडली गणेश जी लाए हैं शाडू माटी के, और ये पर्यावरण के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज है लोगों को देने के लिए। और गणपति जी की गरिमा भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ओरिजिनल तो यही है शाडू माटी का तरीका, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह शाम दोनों समय आरती करते हैं, पूजा करते हैं, माता पिता के आशीर्वाद मिलते हैं, और गणेश जी की कहानियाँ, गणेश जी की बातें और सुंदर चीज़ें सीखने को मिलती हैं, संस्कार बच्चों को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चे एक्साइटेड होते हैं मोदक खाने के लिए, जो आपने शायद देख भी लिया होगा कि पूजा ख़त्म होने से पहले ही हाथ में मोदक थे। देख जी, इतने सालों से आप इतने ही उत्साह के साथ गणपति अपने घर पे ला रहे हैं, हर बार कुछ नया रहता है, इस बार क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं गणपति से? क्योंकि हर कोई एक इच्छा रखता है, आप क्या चाहते हैं? माता पिता ने संस्कार दिए हैं, उनसे ही सीखते आ रहे हैं, उनसे ही हम आगे कदम बढ़ाते आ रहे हैं, जैसे उन्होंने सिखाया वैसे ही। और पिताजी ने हमेशा ये सिखाया है कि कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, जब गणेश जी घर आते हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए कि वो घर आए हैं, और उन्हें उनको कुछ मांगने के लिए नहीं पूजा करते, उनकी उनका थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। इतना अच्छा जीवन दिया है, जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, मतलब इतने अच्छे घर में रह रहे, और क्या चाहिए? बहुत दिया, ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, मतलब डिज़र्व करता, जितना हम डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा दिया है, तो इसमें मांगना नहीं चाहिए, मांगना तो सुबुद्धि मांगे। तो हम यही करते हैं, पिताजी ने भी सिखाया है कि मांगते नहीं हैं, शुक्रिया अदा करते हैं गणेश जी का कि पिछले साल उन्होंने हमें कितना आशीर्वाद दिया, और उनकी वजह से कितनी खुशियाँ हमारे घर आईं। और जैसे पिताजी ने कहा कि सुबुद्धि मांगते हैं, सेवा करने का मौका मांगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम इंसान की सेवा करते हैं तो वो ईश्वर का सबसे सुंदर प्रसाद होता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद गोखले, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।